हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचपी सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये केवल सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो चाहे टीजीटी कमीशंस का है वो टैट्स का है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पीय हथियार किसके बने थे। क्वेश्चन है कि हड़प्पी हथियार किसके बने थे, तो ऑप्शन आपके पास गिवन है कि कांसे के, ऑप्शन बी पत्थर के, ऑप्शन सी तांबे के, ऑप्शन डी इनमें से किसी के नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है इनमें से किसी के नहीं। तो फ्रेंड्स जो हड़प्पा के हथियार थे वो ब्रोंज के भी बने हुए थे, पत्थर के भी बने हुए थे और कॉपर के भी बने हुए थे, और इसमें लोहे की खोज जहाँ पर इस काल में नहीं हुई है, और इसका जो सही आंसर है वो है नन ऑफ दीज। बेसिकली ये सभी के सभी ये जितने भी हथियार हैं जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनमें ऑप्शन दिया गया है कि नन ऑफ दीज, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्नलिखित में से किस महाजनपद के निवासी थे। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है, सबसे पहले ऑप्शन देख लो आप, गांधार, ऑप्शन बी कम्बोज, ऑप्शन सी वस, ऑप्शन डी अवंती। तो सही आंसर है इसका जो पाणिनि थे वो गांधार से थे, और ये जितने भी महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी, 16 है, और इनमें से जो मैक्सिमम थे वो थे उत्तर प्रदेश में 8 थे। इसके बाद हमारे पास बिहार में भी हैं, तो बिहार में 4 थे, और इसके अलावा हमारे पास 2 पाकिस्तान में हैं, एक गांधार और एक कम्बोज, हो गए हमारे पास 14, एक राजस्थान में है, इसके अलावा हमारे पास एक मध्य प्रदेश में अवंती है, और एक हमारे पास आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा कुल मिलाकर के ये हो गए 16, ठीक है। 8 जो हैं वो यूपी में, 4 बिहार में, 12 हो गए इसमें, एक राजस्थान में, 13, 2 पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में गांधार और कम्बोज है, 15, और एक आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है, महायान बौद्ध धर्म के द्वारा, ऑप्शन बी है हीनयान बौद्ध धर्म के द्वारा, ऑप्शन सी है जैन धर्म के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं, ठीक है, इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो थर्ड का सही आंसर है वो फ्रेंड्स है, थर्ड का सही आंसर वो है जैन धर्म के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, कलिंग से संबंधित जो अशोक से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये 4th का सही आंसर है वो है 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है अशोक के कलिंग युद्ध का। तो फ्रेंड्स अशोक कौन था, तो वो था बिंदुसार का पुत्र, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है, और बिंदुसार का पुत्र था कौन, अशोक, और इसके अलावा जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था, और विष्णुगुप्त और चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी गणानंद को हरा करके। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था, शासक था, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इस चंद्रगुप्त मौर्य में सबसे जो प्रतापी शासक था वो था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त ने लगभग 100 बड़े बड़े राजाओं को हराया था। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो चंद्रगुप्त साम्राज्य की जो गुप्त साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो डाली थी श्रीगुप्त के द्वारा, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसके अलावा स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त भी एक महान शासक है गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट हमारे पास, बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन आपके पास है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन सी है अपस्तम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, सिक्स का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जीतल से क्या संदर्भित था, ठीक है, जीतल से क्या संदर्भित था। इन अर्ली मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रेफर टू। ऑप्शन ए है वजन, ऑप्शन बी है डाइट, ऑप्शन सी सिक्का, ऑप्शन डी खेल। तो जीतल एक तरीके का सिक्का था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास गिवन है पड्डकल, ऑप्शन बी बादामी, ऑप्शन सी एहोल, ऑप्शन डी कन्हेरी। तो फ्रेंड्स जो एट्थ का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एहोल। तो एहोल अभिलेख में, जिसमें चंद्रगुप्त एहोल जो अभिलेख था, उस एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन दुत के युद्ध के बारे में भी वर्णन दिया गया है। और ये हुआ था पुलकेशिन, एहोल अभिलेख में ये बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। आपके पास ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो सही आंसर है वो है एहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मलिक कफूर किसका सेनापति था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बलवन, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुमिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सल्तनत काल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था, तो वो था किसका, वो था अलाउद्दीन खिलजी का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इनमें से कोई नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर, जिसको कि हजार दिनारी के रूप में भी माना जाता है, ठीक है, हजार दिनारी का नाम दिया गया था क्योंकि गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसे हजार दिनार में खरीदा था। और अलाउद्दीन खिलजी को इसने बहुत सारी विजय भी प्राप्त की हैं और ये एक बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का सेनापति था। और दक्षिण भारत में जो जितनी भी जीत अलाउद्दीन खिलजी को मिली है उनमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, इसी का था, मलिक काफूर का। इसके अलावा फ्रेंड्स बलबन, तो ग्यासुद्दीन बलबन जो था वो था, वो भी एक प्रसिद्ध सेनापति था, सबसे पहले जिसने, जो कि चालीसा एक महत्वपूर्ण दल था जिसको इल्तुमिश ने स्थापित किया था, उनमें से एक था। बलबन ने काफ़ी कठोर शासन किया था, इसने कई महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई थी जिसमें लोह व रक्त की नीति प्रमुख थी। और इसके अलावा बलबन की कई ऐसी कठोर अभियान थे जिसने कि इसने कई अत्याचार भी किए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ही धार्मिक कार्य भी किए हैं। इसके अलावा इसने लोक कल्याणकारी कार्य भी किए हैं। और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। इसने करीब करीब 5 बड़े शहरों का निर्माण किया। इसके अलावा इसने 100 प्रकार के नए नए शहरों का निर्माण किया। इसके अलावा इसके कार्य को देखा जाए तो इसने 1200 के आसपास बाग बगीचे लगाए। इसके अलावा इसने कई प्रकार के 40 के आसपास इसने मस्जिद बनाई। मुस्लिम धर्म से ये संबंधित था और ये कट्टर मुसलमान के रूप में माना जाता है। इसके अलावा इसने स्कूल बनाए, इसने कई नहरें बनाई और नहरों का जो वास्तविक जाल इसी ने बिछाया था। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है मलिक कफूर का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पढ़ा जाता है, मींस अगर आप किसी को आंसर को ढूंढे तो उसी के साथ जो जिनके भी ऑप्शन है आप उनसे संबंधित जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम है और जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी तभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इसके क्लियर होने के होंगे, वो चाहे कमीशन हो वो चाहे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो। फ्रेंड्स अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था। तो 10th का सही आंसर वो है शहनाई नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे।
तो 11 का फ्रेंड्स जो सही आंसर है, 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। नेक्स्ट है कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित किया गया। तो कुमार संभव की रचना किसके द्वारा की गई थी, एक महान कवि है कालिदास, कालिदास के द्वारा कुमार संभव की रचना की गई थी। इसके अलावा कुमार संभव के अलावा इसने कई ऐसे महत्वपूर्ण रचनाएं की गई है, इसमें अभिज्ञान शंकुतलन प्रमुख था। इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा इसने रचनाएं की गई हैं कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए रामराज, ऑप्शन बी साहू दीप्ति, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो 13 का सही आंसर है वो है संभाजी, 13 का सही आंसर है संभाजी। और शिवाजी के दो पुत्र थे, इनमें से एक संभाजी था, एक दूसरा भी था। संभाजी इसका वास्तविक उत्तराधिकारी था क्योंकि ये इसका बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट हमारे पास भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो पहला किला बनाया गया था वे कौन सा था। ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन डी फोर्ट सेंट एंजिलो। तो फ्रेंड्स 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए विलियम वेंटिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी वैरन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम वेंटिंग। लॉर्ड विलियम वेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था जो कि बना था 1833 में। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव 1757 की क्रांति में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण इनका गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। इसके अलावा वैरन हेस्टिंग, तो वैरन हेस्टिंग ये था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था जो कि बना था 1857 की क्रांति के बाद, जब कंपनी का शासन समाप्त करके सामग्री का शासन शुरू किया गया था, लॉर्ड कैनिंग बना था। और ये लॉर्ड कैनिंग था जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो जो इसका सही आंसर है वो है विलियम वेंटिंग, लॉर्ड विलियम वेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट हमारे पास किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डेलहौजी। तो फ्रेंड्स 16 का जो सही आंसर है, 16 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड डेलहौजी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स लॉर्ड डेलहौजी के बारे में अगर बात करें तो लॉर्ड डेलहौजी ने कई ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ की गई हैं, नीतियाँ अपनाई थी। इसमें हड़प नीति प्रमुख थी, हड़प नीति के तहत इसने कई महत्वपूर्ण जगह स्थानों को हड़प लिया था। सबसे पहले इसने शुरुआत की थी सतारा से जो कि मुंबई में है, ये शिवाजी की राजधानी भी थी सतारा। इसके अलावा इसने कई महत्वपूर्ण कई बड़े बड़े उद्योगों के कई नगरों को इसने हड़प लिया था। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड डेलहौजी के समय डाक प्रथा का शुरू हुआ है। ठीक है, डाक प्रथा का भी आरंभ हुआ था। इसके अलावा पहली रेलवे लाइन बिछा करके रेलवे ट्रेन भी चली थी। इसके अलावा भी वही कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुए हैं। लॉर्ड डेलहौजी ने डेलहौजी नगर की स्थापना भी की थी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के चंबा में। नेक्स्ट हमारे पास 1875 में थियोसोफिलिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। वेयर वाज द थियोसोफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी भारत। 17 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है हमारे पास 17 का यूएसए। नेक्स्ट है भारत में द्वैत शासन पहली बार किसके द्वारा लाया गया। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी माउंटेन फोर्ड सुधार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन योजना, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक ए ओ ह्यूम ऑप्शन डी है एस एन बनर्जी। तो 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एस एन बनर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके समय सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो जो इसका सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है निम्न आश्रम में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं है। ठीक है जिसको गांधी ने स्थापित नहीं किया है फोनिक्स आश्रम टॉलस्टॉय फार्म सेवाग्राम ऑप्शन डी गांधी आश्रम। तो 21 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है गांधी आश्रम। हिंद स्वराज्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज्य जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी महात्मा गांधी ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन डी एम एन रणाडे। तो 22 का जो सही आंसर है हिंद स्वराज्य की रचना की थी महात्मा गांधी के द्वारा। वाडोली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था। महात्मा गांधी महादेव देसाई सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जे दी गई थी उपाधि वाडोली सत्याग्रह की और ये वहाँ की औरतों ने दी थी। नेक्स्ट है 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए अलीगढ़ जो कि यूपी में है ढाका लखनऊ लाहौर। तो कहाँ में हुई थी। 24 का जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स ढाका जो कि अभी बांग्लादेश की राजधानी भी है और वर्तमान में ये बांग्लादेश में है। तो वहाँ पे हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई। तो आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी और ये किस देश में आई थी। ऑप्शन ए जापान ऑप्शन बी बर्मा ऑप्शन सी सिंगापुर ऑप्शन डी मलाया। तो कहाँ पे हुई थी इसका 25 का सही आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर जो कि पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण कंट्री है। नेक्स्ट है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए आर एन थॉपर ऑप्शन बी जगजीवन राव ऑप्शन सी वी के कृष्ण मेनन ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। माउंट आबू का जैन मंदिर बना है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट से ऑप्शन बी लाइमस्टोन से ऑप्शन सी सैंडस्टोन से ऑप्शन बी ऑप्शन डी मार्बल से। माउंट आबू का जो मंदिर है राजस्थान में वो किससे बना है। वो बना है मार्बल से। माउंट आबू का जो मंदिर है राजस्थान में ये राजस्थान में है और ये माउंट आबू का जो मंदिर है और इसको किसको बनाया था। ये इसको बनाया था सोलंकियों ने। ठीक है सोलंकी जो शासक थे उनके द्वारा जो बनाया गया मंदिर है। नेक्स्ट है हिमालय की रानी है। ऑप्शन ए धौलगिरी ऑप्शन बी कंचनजंगा ऑप्शन सी नंदा देवी ऑप्शन डी के टू। तो 28 का सही आंसर है वो है कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके अलावा जो नंदा देवी है ये कहाँ है। ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है के टू। तो के टू अभी ये भारत में है और ये भारत में कहाँ है। ये अभी पीओके में है। ठीक है पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे है के टू। इसके अलावा हमारे पास धौलगिरी भी एक महत्वपूर्ण चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बुरहानपुर घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वतमाला में ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वतमाला में ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला में ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 29 का सही आंसर अब ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पर्वतमाला में। ठीक है सतपुड़ा पर्वतमाला में है बुरहानपुर घाटी।
और जो अरावली जो पर्वत है ये राजस्थान में है, विंध्याचल एमपी में है, और जो सतपुड़ा सतपुड़ा जो कि एक महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ भी है, और ये बुरहानपुर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना आपके लिए जरूरी है कि प्रायद्वीपी किसे कहा जाता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है कि प्रायद्वीपी भारत, तो पहले प्रायद्वीपी शब्द से आप क्या समझते हैं? बेसिकली प्रायद्वीपी शब्द प्रायद्वीपी एक ऐसा शब्द होता है जिसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा स्थल जो कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो और जो उसका ऊपरली सिरा हो वो स्थल से घिरा हो, ठीक है, उस क्षेत्र को कहा जाता है प्रायद्वीपीय। तो ये स्थिति क्या है? ये भारत की स्थिति है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। इसमें इस साइड अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, और इस साइड बंगाल की खाड़ी है। तो ये इस साइड भी जल से घिरा हुआ है, नीचे भी जल से घिरा हुआ है, इस साइड भी जल से घिरा हुआ है, और ऊपर क्या है? ऊपर है हमारे पास नॉर्थ इंडिया। तो ये स्थल से घिरा हुआ स्थल है, तो इस कारण से कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। नेक्स्ट है कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपके लिए आसान है एक तरीके से। तो इसका सही आंसर है वो है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो यही कारण है कि इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। ये निकलती है महाराष्ट्र से होती है। इसके बाद कृष्णा, तो कृष्णा भी एक महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत की, महानदी भी और कावेरी भी। नेक्स्ट है, भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश प्रमुख हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा बेसिन, ऑप्शन बी दामोदर बेसिन, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन डी कावेरी बेसिन। तो कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक कोयला? फ्रेंड्स, 32 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दामोदर बेसिन। ठीक है, दामोदर बेसिन जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, वेस्टर्न बंगाल में है। ये इस घाटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोयला रिजर्व। और आपने आपको पता होगा कि भारत में जो बिहार, और अभी बिहार में तो नहीं है लेकिन झारखंड हो गए, उड़ीसा हो गए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोयला के साथ साथ कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है? ठीक है, निम्न सिंचित राज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इरीगेटेड स्टेटेड इन इंडिया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हमारे पास 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। इसके अलावा फ्रेंड्स, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पे बड़े पैमाने पर नदियों का जाल है, तो यहाँ पे तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सही आंसर भी ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, गेहूं भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो 34 का सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन है 22 करोड़ के आसपास। इसके अलावा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 के आसपास सीटें हैं, और राज्यसभा में 31 के आसपास सीटें हैं। उत्तर प्रदेश भारत का बहुत बड़ा राज्य है। इसके अलावा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, और पंजाब और हरियाणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं
क्षेत्र कृषि के हिसाब से, और जहाँ पे भी गेहूँ और गेहूँ के अलावा जितने भी अनाज हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था। ऑप्शन ए ट्रॉम्बे, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है 35 का वो ऑप्शन नंबर ए ट्रॉम्बे। नेक्स्ट है, नालको ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया है। सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में काली मिट्टी किसके किससे संबंधित है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी वलुआ पत्थर। तो 37 का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट चट्टाने। ठीक है, जो बेसाल्ट चट्टाने होती है वहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी बड़े मात्रा में। तो काली मिट्टी भारत के किस किस राज्य में पाई जाती है? बेसिकली ये पाई जाती है गुजरात में, ठीक है, गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र में, बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में ही पाई जाती है, गुजरात महाराष्ट्र, इसके अलावा एमपी, इसके अलावा हमारे पास थोड़ा थोड़ा हिस्सा कर्नाटका में भी पाया जाता है, कर्नाटक के साथ छत्तीसगढ़। बेसिकली जो इसका मैक्सिमम पार्ट है राजस्थान में पाया जाता है थोड़ा सा हिस्सा, इसका जो मैक्सिमम पार्ट पाया जाता है वो पाया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है काली मिट्टी के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो काली मिट्टी से जो फसलें उगाई जाती है वो कौन कौन सी है? कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है काली मिट्टी में। एगर एगर किससे प्राप्त होता है? ठीक है, एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी समुद्री शैवाल, ऑप्शन डी पेड़ की छाल। 38 का सही आंसर है वो है समुद्री शैवाल से। ठीक है, समुद्री शैवाल से। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नौगण्य नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए निवोगेवल रिवर, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चेनाब। 39 का जो फ्रेंड सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, चेनाब नदी। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, अब आगे जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? ऑप्शन ए सीसल, ऑप्शन बी हेम्प, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी यूट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है 40 का वो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी यूट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं हिमाचल प्रदेश, न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि ऑल ओवर इंडिया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये जितने भी हिमाचल पे एग्जाम है, जो वो चाहे TJT का एग्जाम हो गया, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, वो चाहे HPSI का हो गया, पुलिस का हो गया, उन सभी के लिए जो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए आगे आने वाले बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएँ तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को टाइम दिया, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।